वेलकम, आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में लेटेस्ट में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा, आईटीआई तो वो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं रेलवे से। ये जो वैकेंसी है ये माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, तो ये कोटा जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये वैकेंसी जारी की है। और जो कोटा है वो आता है पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। तो जो भी एनसीआर के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले, हिमाचल प्रदेश वाले या यूपी बिहार वाले बच्चे, तो वो लोग अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और उन्होंने आईटीआई कर रखी है तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले मैं फ़ायदा बता देता हूँ, वरना क्यों करेंगे कोई। ठीक है, तो देखिए अगर आपने आईटीआई कर ली है तो अप्रेंटिसशिप तो आपको करना ही करना है, तभी कहीं आपको नौकरी मिलेगी। और अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है, भारत सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे में अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई अप्रेंटिसशिप जो है ना रेलवे से कर लो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई भी वैकेंसी, जैसे पिछली वैकेंसी आई थी तो मान लीजिए 70,000 या कोई वैकेंसी आती, तो इसका 10% जो होता है सीटें डायरेक्ट रिजर्व होती हैं आपकी, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप रेलवे से किया है। तो अगर जो है ना 70,000 का, मान लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गणित मेरी कमजोर है लेकिन मैं आपको 10% निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना और अच्छा लगे। तो मान लीजिए ये आपकी टोटल 100 सीटें हैं, 100 नहीं, आपकी पूरी 70,000 सीटें हैं करीब करीब। ठीक है, और इसमें जो है ना आपकी 10% डायरेक्ट रिजर्वेशन है आपका, तो 1-0 इधर ख़त्म, 1-0 ये ख़त्म, तो आपकी 7,000 सीटें सिर्फ डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी रेलवे उनके लिए रिजर्व हो गई। अब समझो आपका कंपटीशन कितना कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए और आपने आईटीआई कर रखी है तो आप जरूर रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप कर ले, जब भी वैकेंसी आएगी तो आपका खाता जरूर खुलेगा। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है टोटल 160 वैकेंसी है और जो है ना 1961 के अप्रेंटिसशिप नियम के अधीन ये वैकेंसी आपकी ली जा रही है। और अप्रेंटिसशिप करने के बाद नौकरी मिलने का ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। जब भी रेलवे में वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसका आवेदन पत्र भरेंगे, एग्जाम देंगे, तब आपको नौकरी मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब थोड़ी सी आगे देख लेते हैं। हमने जो है ना लाभ वाली बात आपको सबसे पहले बता दी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो फिटर ट्रेड के बच्चे वो अप्लाई कर पाएंगे। आपकी टोटल 70 सीटें हैं, रिजर्व कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी है। और आपको इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कक्षा 10 पास होना चाहिए और प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कक्षा 10 जो है उसमें आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए कक्षा 10 में। ठीक है, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका फिटर में। इसके बाद वेल्डर है, टोटल 66 वैकेंसी हैं, सेम वैसी कक्षा 10 पास प्लस आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई और आपके कक्षा 10 में आपके नंबर होने चाहिए 50%। अब इसके बाद कोपा वालों के लिए देख लीजिए, कोपा वालों के लिए सीटें टोटल 3 सीटें, काफ़ी कम सीटें हैं। कक्षा 10 पास और 50% नंबर प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। पेंटर के लिए टोटल 11 सीटें, कक्षा 10 पास, 50% नंबर आपके कक्षा 10 में होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको मशीनिस्ट के लिए देख लीजिए, मैकेनिस्ट के लिए 10 सीटें हैं टोटल, ये तो मैंने गड़बड़ ही कर दिया। मशीनिस्ट के लिए टोटल 10 सीटें हैं, कक्षा 10 पास आप, 50% नंबर और आईटीआई का सर्टिफिकेट, तो टोटल आपकी हो गई 160 सीटें हो गई। तो आप इसके तहत इसमें आवेदन, तो इस तरह हमने इसके बारे में देख लिया। अब आयु सीमा की गणना के बारे में आपको बता दूं, आपकी आयु सीमा जो है ना 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 15 से 24 साल उम्र सीमा है और आपकी उम्र सीमा की गणना 5/11/2019 से की जाएगी। 5/11 का मतलब है 5 नवंबर 2019 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। और देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आपको छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 साल की छूट, भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कक्षा 10 पास होना चाहिए, 50% नंबर के साथ में और आईटीआई होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण की अवधि आपकी मोस्टली 1 साल की इसमें होगी। परिश्रमिक जिसे आप स्टीफन कहते हो, वर्तमान में करीब करीब जो है ना ये चल रहा, जो अभी चल रहा है, 8,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको स्टिपेंड ये लोग देते हैं। ठीक है, वह छात्रवृत्ति आप कह सकते हो, जो कहना चाहो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी पर मंथ। ट्रेनिंग जब तक आपकी अप्रेंटिसशिप चलेगी तब तक मिलेगी। आवेदन पत्र आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, और ये वेबसाइट है www.mponline.government.in पर जाकर आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे, क्लिक करके वहां से आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपके आवेदन पत्र 4 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और आपके फॉर्म शुल्क जो है ना वो 100 रुपया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, शारीरिक विकलांग है और जो महिला उम्मीदवार हैं उनसे शुल्क में छूट है, उनसे जो है ना 100 की जगह 70 रुपये लिए जाएंगे प्लस 18 रुपये जो भी GST वगैरह लगे। तो ये हमने आपकी बता दी कि आपको शुल्क वगैरह, फॉर्म फीस वगैरह कितनी आपकी
लगनी वाली है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, और ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो ना टोटल वैकेंसी कितनी है, 160, और 160 वैकेंसी का ये लोग डेढ़ गुना कैंडिडेट लेंगे, छांटेंगे 160 वैकेंसी का डेढ़ गुना, ठीक है। ये टोटल कैंडिडेट लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं होने वाला। जो आपके कक्षा 10 के नंबर हैं, कक्षा 10 के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो बच्चे टॉप में आ जाएंगे उन्हें ले लिया जाएगा और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आने जाने का कहीं कोई ये लोग भत्ता वगैरह नहीं दे रहे हैं। और देखिए, प्रशिक्षण का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ जो है ना होती है, ठीक है। आपका फिर चिकित्सा परीक्षा कराया जाएगा, और चिकित्सा परीक्षा के बाद आपका जो ना ये अप्रेंटिसशिप का कोर्स कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी थी, और मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपने आईटीआई किया है, आईटीआई किया है, आईटीआई किया है, तो अप्रेंटिसशिप जरूर करें। और अगर रेलवे में नौकरी चाहिए तो ये वाली रेलवे की अप्रेंटिसशिप जरूर करें, ठीक है। आपको फायदे मिलेगा जब भी वैकेंसी आएगी तब। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मोटी मोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ और बचा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।